पवित्र गोदावरी नदी के तट पर बसे नासिक शहर में आपका स्वागत है। अनेक प्रसिद्ध मंदिर और लोकप्रिय कुंभ मेला इसे महाराष्ट्र का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाते हैं। यहाँ रक्षा एवं विमान विनिर्माण का भी केंद्र है। इसी के साथ करेंसी नोट प्रेस एवं इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की उपस्थिति इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्रिंबकेश्वर। प्रसिद्ध संत श्री साईं बाबा का पवित्र स्थान शिरडी एवं इसी प्रकार के अनेक पावन स्थल नासिक के आसपास है। लोकप्रिय ध्यान स्थल विपश्यना केंद्र नासिक से नजदीक ही इगतपुरी में स्थित है। भारतीय फिल्म उद्योग के अग्रणी स्वर्गीय श्री दादा साहेब फाल्के की कर्मभूमि है नासिक। सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील रहने वाले नासिक शहर से सबसे निकटतम हवाई अड्डा ओझर सिर्फ 21 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय रेलवे में विद्युत इंजीनियरिंग रेल सेवा के परिचालन में अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती है। भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान इरिन की स्थापना 1988 में भारतीय रेल द्वारा नासिक में भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग सेवा यानी IRSEE के नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। संचलित करता है। आप प्रकृति प्रेमी हो या ना हो, एक बार आप इरिन में आने के बाद निश्चित प्रकृति से प्यार करने लगेंगे। इरिन एक विस्तृत क्षेत्र यानी 54 एकड़ में फैला हुआ है। हरा भरा सौंदर्य मंत्रमुग्ध कर देता है और पहले से ही सुंदर इरिन की परिसर में और सुंदरता जोड़ता है। ये सच है कि इरिन हरियाली और ठंडी जलवायु के लिए विख्यात शहर में स्थित है, जो छात्रावास के जीवन को परिपूर्ण बनाता है। इरिन छात्रावास में पूरी तरह से सुसज्जित 34 एक बिस्तर और 43 दो बिस्तर वाले कमरे हैं।
एक आरामदायक और स्वच्छ भोजन क्षेत्र, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। इरीन में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का वर्णन करने के लिए घर से दूर एक घर, यही एक सही शब्द हो सकता है। The mess at Irin serves wholesome and palatable food. It's well cooked and offers array of choices. Here we make sure that we serve tasty and hygienic food. Hygiene and health are given the most importance in my kitchen. सभी प्रशिक्षु अधिकारी आईटी प्रयोगशाला के माध्यम से इरीन इंट्रानेट नेटवर्क पर खुद को एक बार पंजीकृत करते हैं। एक बार में लगभग 30 प्रशिक्षु अधिकारी अभियंताओं को नवीनतम अभिकल्पों और ईएमयू विनिर्माण में भारतीय रेल द्वारा ग्रहण की गई आईजीबीटी तकनीक से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के सर्किट से परिचित करवाया जाता है। विद्युत कर्षण वितरण के क्षेत्र में अधिकारियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए 25 केवी कर्षण सबस्टेशन का एक मॉडल तैयार किया गया है। ये मॉडल ट्रैक्शन सबस्टेशन में उपयोग किए जा रहे विभिन्न उपकरणों को प्रदर्शित करता है। आधार यानी कि फाउंडेशन और ओएजी उपकरण को नजदीक से देखना कर्षण वितरण पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षु के लिए एक बड़ा आकर्षण है। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रशिक्षुओं के लिए तैयार किया गया है। प्रतिभागी नवीनतम दिशा निर्देशों और इस क्षेत्र में आधुनिक विकास के साथ जुड़े रहते हैं। अधिकारियों के समक्ष रखरखाव, परिचालन और पारंपरिक तथा थ्री फेज लोको के महत्वपूर्ण विशेषताओं के सभी पहलुओं को उजागर करने के लिए लोको प्रयोगशाला का विकास किया गया है।
अपने अधिकारियों के ज्ञान की सीमा को विस्तृत करने के लिए इरीन ने WAP4 और WAG7 पर कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरुआत की है। प्रयोगशाला में बिजली उपकरणों की स्थिति एवं उपयोग की जाने वाली रोधक सामग्री की निगरानी के लिए कई उपकरण होते हैं। प्रशिक्षुओं को अक्षय ऊर्जा संसाधनों से परिचित कराने के लिए 5.2 किलो वोल्ट यूनिट क्षमता का एक हाइब्रिड वायु सह सौर संयंत्र है। हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इरीन ने 30 और 20 किलो वॉट अधिकतम क्षमता के 2 सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र स्थापित किए हैं। एक इरीन प्रशासनिक भवन में और दूसरा पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केंद्र अर्थात STC खंड में। अधिकारियों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उसके लिए इरीन में एक विशाल सभागार है जो एक ही समय में सभी अधिकारियों को परिसर में समायोजित करने की क्षमता रखता है। इरीन का पुस्तकालय उपन्यास पत्रिकाओं और तकनीकी रिपोर्टों के दस्तावेजों का एक विश्वकोश है। सभी प्रकार के उपन्यास साहित्य कहानी की किताबें और पत्रिकाएं यहाँ उपलब्ध है। पुस्तकालय में परियोजनाएं पत्रिकाएं और CD का व्यापक संग्रह भी है। इरीन द्वारा प्रकाशित किताबें और पत्रिकाएं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान कक्ष में TRS, TRO, TRD और LHB विषयों पर किताबें हैं। डिजिटल इंडिया इस आदर्श वाक्य से ई ग्रंथालय का मार्ग और भी प्रशस्त हुआ है।
अधिकारियों को व्यायाम साइकिल, ट्रेडमिल, वजन और विभिन्न प्रकार के व्यायाम उपकरणों से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। Exercising is like a worship to me. Just can't stay a day away from it. Finding a gym in Erin, it's like a sight for the sore eyes. तैराकी में रुचि रखते हैं? आइए इरीन आपकी इस इच्छा को भी पूरी करेगा। हाँ, आपने सही सुना, इरीन में एक तरणताल भी है। प्रतिबद्ध सहायक कर्मचारियों का एक दल इरीन के दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए समुचित अथक प्रयास करता है। दीक्षांत समारोह मूल रूप से पाठ्यक्रम पूरा होने की घोषणा है। अधिकारी जीवन के नए चरण में प्रवेश करने के लिए उत्साहित होते हैं। दीक्षांत समारोह के दौरान अति विशिष्ट अतिथि अपने प्रेरणादायक भाषणों से प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित करते हैं एवं विशेष गुणवत्ता धारकों को पुरस्कृत करते हैं। वास्तव में वहां उपस्थित होना एक गर्व का क्षण है। दीक्षांत समारोह के बाद अधिकारियों को भारतीय रेल के विभिन्न क्षेत्रों और उत्पादन इकाइयों में नियुक्त किया जाता है। सभी अत्याधुनिक तारक सुविधाओं के साथ इरीन निश्चित रूप से भारतीय रेलवे के विद्युत इंजीनियरों के लिए सीखने का एक मंदिर है। जो अच्छा है उसे संरक्षित करे, जो बेहतर है उसे प्रदान करे और जो सबसे अच्छा है उसे बढ़ावा दे, इन मूल्यों का पोषण करता है।